अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें 1905 का रेजिस्टेंस था हमारा। आप ही देख सकते हो 1905 के आसपास का ही हाई बनाया है। उसके बाद 1855 का लो बनाया है गोल्ड ने, तकरीबन $50 डाउन इन ओनली 1, 2, 3, 4 आवर्स। 4 घंटे में ही गोल्ड $50 डाउन हो गया था। उसके बाद गोल्ड ने अच्छी रिकवरी दिखाई और 1885 तक के हाईज बनाए। अभी फिलहाल 1882 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ये क्यों हुआ, ये ऑलरेडी मैं अपने इंग्लिश चैनल पे कवर कर चुका हूँ। शाम में जो वीडियो आता है 7 बजे, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि यूके में एक नया स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में एक ऑलमोस्ट मार्च वाला पैनिक आ गया था। ऐसा लग रहा था कि मार्च 2020 वापस रिपीट होने वाला है, बट ज़्यादा जो टेम्प्रेरी उसका एक असर था वही था। अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि हम मार्च 2020 के वॉलेटिलिटी में जाएंगे। उसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो यह है कि मार्केट जो इकोनॉमीज हैं वो ऑलरेडी रिसेशन में हैं, और इस बार जो है जो मार्च 2020 की गलतियाँ पूरे वर्ल्ड ने नहीं की हैं, बिकॉज़ जैसे ही ब्रिटेन में एक नया वायरस का स्ट्रेन मिला, काफ़ी कंट्रीज ने जो है इंग्लैंड की फ्लाइट्स ही बंद कर दी हैं, डिस्पाइट इट इज़ क्रिसमस टाइम। क्रिसमस टाइम के होते हुए भी काफ़ी कंट्रीज ने इंग्लैंड की फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। इवन इंग्लैंड ने भी ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, लॉकडाउन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से पुराना जो हाल हुआ था मार्च में वैसा हाल होने की उम्मीद नहीं है। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट क्रिसमस आ चुका है, 22 तारीख है, वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो चुके हैं मार्केट्स में, बट अभी भी मार्केट चल रहा है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या क्या है मार्केट का। आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1893 का, गोल्ड का सपोर्ट है आज का $1868 का। 1893 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है गोल्ड, तो 1905 और 1915 वापस से जा सकता है। 1868 के नीचे 1860 और 1848 तक जा सकता है। इस सेलिंग की वजह से गोल्ड का ट्रेंड वीक हो गया था, इसलिए अभी भी गोल्ड वीक जोन में ही है, तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। 1893-94 ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो ज़रूर बाइंग का ऑप्शन लिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा मार्केट में बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगेंगे अगर आप कोई भी पोजीशन लोगे। तो कोई भी आप पोजीशन ले रहे हैं, बाइंग की या सेलिंग की जो भी, उसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूर डालें। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट, 26:39 चल रही है, ऑलमोस्ट 24:90 का लो बन गया था कल। 27:40 के बाद 24:90 का लो सिर्फ 4 या 5 घंटे में, बहुत ही बड़ी सेलिंग आई थी मार्केट में। उसके बाद एक उतनी ही अच्छी रिकवरी आई 24:90 से लेके 26:60 तक की ऑलमोस्ट। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या क्या है। सिल्वर का आज का रेजिस्टेंस है 26:70, सिल्वर का सपोर्ट है आज का 25:85। फिलहाल सिल्वर भी इस सेलिंग की वजह से वीक जोन में ही चल रही है, जब तक 26:70 ब्रेक नहीं करती है वीक जोन में ही है। 26:70 तोड़ती है और सस्टेन करती है सिल्वर उसके ऊपर, तो $27 और 27:40 वापस से जा सकती है। अगर सिल्वर सपोर्ट तोड़ती है अपना 25:85 का, तो 25:50 और 25:10 तक वापस से जा सकती है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर वीक जोन में है तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। अब चलते हैं क्रूड ऑयल पे। वैसे MCX की गोल्ड और सिल्वर के लेवल वीडियो के लास्ट में है, निफ्टी और बिटकॉइन के वीडियो लेवल्स भी वीडियो के लास्ट में है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, एक अच्छी सेलिंग आई थी इसमें भी, बिकॉज वायरस की वजह से लॉकडाउन वापस से लगने शुरू हो गए हैं काफी कंट्रीज में। जो एक इकोनॉमी फुल फ्लैश खुलने की उम्मीद थी वो थोड़ी सी अभी कम होती जा रही है, इसकी वजह से एक सेलिंग आई थी, बट वापस से एक अच्छी रिकवरी आई है ऑयल में। अभी 47-60 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं।
क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 46.80 का। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 49.30 का। अभी भी क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है, जब तक 46.80 ब्रेक नहीं करता है, 46.80 के नीचे 46.20 और $45 तक जा सकता है। 49.20 के ऊपर $50 और $51 भी जा सकता है। अभी फिलहाल पॉजिटिव जोन में है। अब MCX के लेवल और निफ्टी और बिटकॉइन देखने से पहले एक बार यूरो को देख लेते हैं। यह है यूरो का चार्ट। इंटरेस्टिंगली मंडे से, मतलब कल से, ये गोल्ड और यूरो सिंक में नहीं चल रहे हैं। अभी फिलहाल यूरो पॉजिटिव जोन में है, 22.22 चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। यूरो का सपोर्ट है आज का 21.80 का। यूरो का रेजिस्टेंस है 22.60 का। फिलहाल यूरो पॉजिटिव जोन में ही है, जब तक 21.80 ब्रेक नहीं करता है, 21.80 के नीचे यूरो 21.20 और 20.50 तक जा सकता है। फिलहाल पॉजिटिव जोन में ही है, तो अवॉइड कीजिएगा सेल करना। MCX के लेवल देख लेते हैं। गोल्ड चल रहा है 50,490 फेब्रुअरी वाला। MCX गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 50,670। MCX गोल्ड का सपोर्ट है आज का 50,280। MCX सिल्वर चल रही है 69,490। MCX सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 70,100। MCX सिल्वर का सपोर्ट है आज का 68,200। अब चलते हैं निफ्टी और बिटकॉइन पे। वैसे MCX के लेवल वापस से मैं रिवाइज करूंगा जब INR बंद हो जाएगा 5 बजे। रिवाइज लेवल आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी पोस्ट देखने के लिए आपको ज्वाइन का बटन दबाना पड़ेगा सब्सक्राइब के बराबर में जो है। निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग आई कल। अभी फिलहाल 13,260 चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 13,640 का। निफ्टी का सपोर्ट है आज का 13,020 का। निफ्टी फिलहाल वीक जोन में है, तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। यह है बिटकॉइन का चार्ट। ऑलमोस्ट 23,000 चल रहा है। 22,470 के लोस बनाने के बाद आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस है आज का $23,620। सपोर्ट है आज का $22,100। बिटकॉइन अभी भी वीक जोन में है, तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। वीडियो पसंद आया हो और यहाँ तक आपने देख लिया हो तो प्लीज लाइक करें बिना ना जाएं। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं शाम को भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ अपने इंग्लिश चैनल पे। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम नहीं चलता है तो आप मुझे ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलूंगा आपको शाम वाले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।